वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2 महीने से जारी तनाव में अब सुधार के संकेत नजर आने लगे हैं। विराम। फिलहाल राहत की बात यह है कि गलवान घाटी के एक गश्ती पॉइंट से चीनी सैनिक पीछे हटने शुरू हो गए हैं और अपने तंबू तथा सैन्य साजो सामान हटा लिया है। विराम। यह शांति का पहला कदम माना जा सकता है। विराम। इसका असर यह होगा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2 महीने से जो तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी वह खत्म होगी। विराम। हालात उस वक्त ज़्यादा गंभीर हो गए थे जब 15-16 जून की रात चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। विराम। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। विराम। जवाबी कार्रवाई में 40 से ज़्यादा चीनी सैनिकों के हताहत होने की खबरें आईं। विराम। इस हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में जिस तरह का तनाव बन गया था उसमें कुछ भी संभव था। विराम। कोई भी युद्ध जैसी स्थिति की आशंका से इनकार नहीं कर रहा था। विराम। पैरा। आखिर चीन पीछे क्यों हटा? क्या उसने अपनी कोई गलती मान ली या फिर वह भारतीय रणनीति और दबाव के आगे झुक गया, या फिर उसने जिन इलाकों में घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था उन पर से दावा छोड़ दिया है? इन सवालों का जवाब भारत के कड़े रुख में मिलता है। विराम। गलवान घाटी में हिंसा के बाद भारत ने चीन के खिलाफ जिस तरह का सख्त रुख दिखाया और यह साफ संदेश दिया कि आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है, उसके अर्थ चीनी शासक अच्छी तरह समझ रहे हैं। विराम। अब तक सैन्य कमांडरों से लेकर कूटनीतिक स्तरों पर बातचीत के जो दौर चले हैं उनमें भारत का रुख एक कदम साफ रहा है कि गलवान घाटी में 5 मई से पहले की स्थिति बहाल हो। विराम। भारतीय क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ और नए क्षेत्रों को विवादित बनाने की चीन की रणनीति की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। विराम। ऐसे में चीन के सामने बचाव का एक ही रास्ता था कि वह पीछे हटे और हालात सामान्य बनाए। विराम। इसके अलावा चीन को उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत सिर्फ सैन्य ताकत से ही नहीं बल्कि दूसरे उपायों से भी उसे सबक सिखा सकता है। विराम। चीन जानता है कि उसके लिए भारत बड़ा बाजार है, ऐसे में भारत से युद्ध का खतरा मोल लेना
कहीं से भी लाभदायक नहीं रहेगा। विराम पैरा, घुसपैठ वाले इलाकों से चीन कब तक अपने सारे सैनिकों और साजो सामान को हटाता है, यह देखने की बात है। विराम, अभी सिर्फ गलवान घाटी से ही चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर है। विराम, पेंगोंग झील और हॉट स्प्रिंग को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है। विराम, चीन का जैसा इतिहास और चरित्र रहा है उसे देखते हुए उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। विराम, 1962 में चीनी सेना पहले पीछे हटी थी, उसके बाद पलटकर भारत पर हमला बोल दिया था, यह पीठ में छुरा घोपना ही था। विराम, जब तक चीन 5 मई के पूर्व वाली स्थिति बहाल नहीं कर देता, तब तक गतिरोध पूरी तरह खत्म नहीं माना जाना चाहिए। विराम, इसलिए अब भारत को ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा और चीन से सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि हर स्तर पर निपटने के लिए आक्रामक रणनीति भी बनानी होगी। विराम, पिछले हफ्ते लेह में सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कह भी दिया कि अब विस्तारवाद का युग बीत चुका है। विराम, चीन को भारत का ये संदेश समझना होगा। विराम, धन्यवाद।